यह वीडियो बताता है कि किसी नीम के पेड़ के बीज का उपयोग कीटनाशकों को बनाने के लिए किया जा सकता है। पहले हरे और पीले फलों वाले एक नीम के पेड़ को खोजें। ऐसे पके फलों को इकट्ठा करें जो पीले रंग के हों। फलों को 3 या 4 दिनों के लिए सुखाएं, जब तक कि वह भूरे रंग के ना हो जाएं। एक ओखली और मूसल का प्रयोग करके अंदर के बीज को तोड़े बिना फलों से खोल या छिलके को हटाने के लिए हल्के से कुटाई करें। ओखली की सामग्री को फटक कर छिलकों को बीज से अलग कर लें। इन बीजों का वर्गीकरण करें और रंग के आधार पर इन्हें अलग कर लें। अच्छे वाले बीज गहरे रंग के हैं, हल्के रंग के बीजों को निकाल दें। चयनित बीजों को ओखली में डाल लें और उनकी अच्छे से पिसाई कर पाउडर बना लें। इस बारीक पाउडर को पानी से भरे एक बर्तन में डालें और इस मिश्रण को अच्छे से घोल लें। प्रति 15 लीटर पानी में 500 ग्राम के अनुपात से पाउडर का इस्तेमाल करें, मतलब प्रति 15 लीटर साफ पानी में लगभग 9 मुट्ठी पाउडर डालें। इस्तेमाल करने से पहले मिश्रण को 24 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें। इस मिश्रण से दाने जैसे छोटे कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को छान लें, जो कि स्प्रे में डाला जाना है। ये छोटे कण स्प्रे फिल्टर और स्प्रे की नोक में रुकावट डाल सकते हैं। छने हुए तरल का फसल के सभी हरे भागों पर छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान चहलकदमी करते हुए स्प्रे की नोक की पत्ती से 50 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। एक 15 लीटर के छने हुए इस तरल से भरे हुए नैपसैक स्प्रे के द्वारा लगभग 1 एकड़ के चौथाई भाग को कवर किया जा सकता है।